कितना भाग्यवान, भगवान का प्रसाद सबसे पहले मुझे। इसलिए कि भगवान की सेवा में सबसे पहले तुम ही आते हो। बड़ों ने कहा है सेवा में मेवा है, अपने राम को तो वही मिला। ठीक है, सेवा करते रहो, मेवा खाते रहो। और रखा भी क्या? चलो ये लो और मेवा बस। कामिनी उठ, इसकी तो आंखें नहीं खुलती। एक वो है जो हमेशा भगवान की सेवा में लगी रहती है और ये उठाने पर भी नहीं उठती। ये सोने दो, ये उठेगी तो घर में भौंचाल आ जाएगा। क्या मतलब? मतलब जानना चाहती हो माँ? ये उठेगी तो शंकर और पारो का प्रेम नाटक भंग हो जाएगा। इतनी बड़ी बात तेरे जुबान पर आई कैसे? माँ तुम हवेली में रहकर भी अंदर की बातें नहीं जान पाती और बाहर वाले अंदर आए बिना सब कुछ जान लेते। अच्छा तो तू किसी के बहकाने में आकर अपनी बहन पर लांछन लगा रहा है? पहले कानों ने सुना था माँ, आज आंखों ने देख लिया, इसलिए जवाब पे आ गया। प्रताप बंद कर अपनी जुबान। माँ तुम मेरी तो जबान बंद कर सकती हो लेकिन दुनिया वालों की जबान बंद नहीं कर पाओगी। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा माँ, जितना जल्द हो सके शंकर को हवेली से बाहर किया जाए। ऐसा करने से भी तो खानदान के माथे पर लगा हुआ कलंक नहीं धुल सकेगा। प्रताप बेटी ये तो पागल है, इसके बाद क्या सुनती है? नहीं माँ, प्रताप को अपने खानदान की इज्जत का बहुत ख्याल है, लेकिन ये मुश्किल तुमसे आसान नहीं होगी। प्रताप मैं करूंगी, शंकर इस हवेली से जरूर जाएगा लेकिन अकेला नहीं, पारो को ब्याह कर उसे साथ ले। तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? हाँ माँ चल गया है, तभी तो मैंने अपने जीवन का फैसला कर लिया है। मेरे साथ ब्याह करना होगा शंकर। इस पागलपन का भी कोई जवाब हो सकता है? ये पागलपन नहीं है, मेरे जीवन का सवाल है, तुम्हें जवाब देना ही होगा। अच्छा जवाब देना होगा, फिर जरा सोचने दो। शंकर ये मजाक करने का समय नहीं है, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। ऐसा सवाल करने से पहले तुमने ये भी सोचा है कि मैं कौन हूं, क्या हूं? मैं एक अनाथ हूं, आप लोग ही मेरा सहारा है, आप लोग ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। ऐसी बात मैं सोच भी नहीं सकता, मैं दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? तो क्या अब तुम मुंह दिखाने लायक रह गए हो? क्यों, मैंने क्या पाप किया? लोगों में तुम्हारे और मेरे चर्चे हो रहे हैं और उनका मुंह बंद करने का एक ही उपाय है, हमारी शादी। तो तुमने भविष्य का सोचा है? पूरा अंधकार है। किसने कहा? नादान ना बनो पारो, ये ख्याल दिमाग से निकाल दो। शंकर मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। तुम जवाब के लिए इसी तरह जिद करती रहोगी पारो तो मुझे इस घर को छोड़ के चला जाना पड़ेगा। मैंने माँ और भैया से यही कहा, शंकर इस घर से जाएगा लेकिन पारो के साथ। क्या? हाँ शंकर। और अगर मैंने ना कहा तो? तो पारो इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाएगी। पारो? यही मेरा फैसला है। नहीं नहीं लक्ष्मी, ये कभी नहीं हो सकता। अपने ही टुकड़ों पर पले हुए भिखारी से पारो की शादी कर दो। उसका पति भी सावित्री के पति तेरे खानदानी होगा। स्वामी धीरज से काम लो। धीरज का सहारा लेकर मैं खामोश नहीं बैठ सकता, बुरी नजर रखने वाले की आंखें फोड़ दूंगा। शंकर, दलील कमीने, तेरी इतनी मजाल,
के लिए आश्रय दिया था कि मेरी इच्छाओं में बैठकर मेरी ही इज्जत लूटे। इज्जत लूटने वाला पुस्तिल होता है ठाकुर साहब, सामने नहीं आता। वो नमक राम, मैं तेरी जान लूंगा। नहीं पिताजी नहीं, सजा मुझे दो, गोली मुझ पर चलाओ, शादी का फैसला मेरा है। हट जा पारो, वरना मैं तेरी भी जिंदगी की परवाह नहीं करूंगा। रुक जा रामू, खून से शायद गुस्से की आग ठंडी हो जाए। यही तमाशा देखने के लिए मैंने इन बच्चों को जन्म दिया है। लक्ष्मी, तुम बीच में मत बोलो। लक्ष्मी क्यों ना बोलू, क्या मैं इन बच्चों की माँ नहीं? मैं भी इन्हें प्यार करता हूँ लक्ष्मी, लेकिन खानदान की इज्जत मुझे ज्यादा प्यारी। इसी विचार से सावित्री की जिंदगी बर्बाद हो गई, पति जुए और शराब में बह रहा है, बेटी का जीना मुश्किल हो गया है। पहले उस पर गोली मार कर उन्हें हासिल कर लीजिए, फिर दूसरी गोली पार्वती पर चलाइए, उसके बाद कामिनी को मार डालिए, खेल ही खत्म हो जाए। चलाइए गोली, चलाइए। तू खाना खाने नहीं आए? अच्छा ले, मैं यही ले आई, ले खा ले। नहीं माँ, मैं नहीं खाऊंगी। अगर तू अपने आप को यूं ही परेशान किए रही तो मैं क्या करूंगी? मेरी चिंता छोड़ दो माँ। ये तो इसलिए कह रही है कि तू बेटी है, माँ नहीं। माँ, मैं तुम दोनों बाप बेटी के जिद से तंग आ गई हूँ, कैसे कैसे करके उन्हें कुछ राह पे लाई हूँ, तो तू इधर खाने से रूठी बैठी है। मैं सच कह रही हूँ माँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। फिर भी थोड़ा सा खा ले, भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। ले बेटा। सुना तुमने, अगर हम ठंडे दिल से सोचेंगे तो बात बन सकेगी। क्या? यही, पारो अपने जीवन का फैसला कर चुकी है, वो तुम्हारी ही बेटी है, जान दे देगी मगर बात नहीं टल सकेगी। तो फिर क्यों ना उसका ब्याह करके शंकर को घर दामाद बना ले। इससे क्या होगा, दुनिया तो यही कहेगी कि गधे पे हाथी का झूठ चढ़ा दिया। उस वक्त दुनिया कुछ नहीं कहेगी, मगर पारो ने जिद में आकर कुछ कर लिया तो जरूर कुछ ना कुछ कहेगी। जिद में आकर पारो की जिद? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तू फिक्र मत करो, मुझे अकेला छोड़, सोच ले, सोच ले। ठाकुर साहब को अपनी बेटी इतनी भारी हो गई, उसे कुएं में ढकेल दिया। ऐसा मत कहो बहन। ये कैसी शादी, ना घर वाले ना बराती, अपने पने तो कुछ नहीं पड़ता। अरे यार, ये सब बड़े घर की बातें, इसे हरे कोई नहीं समझ सकता। ये ले ठाकुर साहब, कोई सठिया तो नहीं गया तो चांद सी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया? मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता। छोड़ो भी, इससे हमें क्या लेना देना। धनवान के घर में पलकर जवान हुई, और जब जिंदगी का मजा लेने का समय आया गरीबी से, भगवान किसी अमीर को गरीब नहीं बना। आप सही कहते हैं। ये हुई ना कोई बात। माँ ये लो और मुझे विदा कर दो। क्या विदा, शादी तो तेरी मर्जी से हो गई है,
फिर घर छोड़ने पर क्यों तुली हुई है? इसलिए कि मुझे अपना घर बसाना है माँ। तेरे पति का कोई घर होता तो मुझे चिंता न होती। आखिर जाएगी कहाँ? मेहमान को विदा करते समय ये नहीं पूछा जाता कि वो कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा। अच्छा, तू अपने आप को मेहमान समझती है? मैं ही क्या, बल्कि हर लड़की अपने माँ बाप के घर में उस वक्त तक मेहमान होती है जब तक उसका विवाह न हो जाए। बेटी चुप चुप जियो, फूलो फूलो। दीदी पारो, तुम इतनी समझदार होकर तुमने ये जो नादानी की है अच्छा नहीं किया। मैं अपना अच्छा बुरा खूब समझती हूँ। दीदी मुझे सिर्फ तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। खुश रहो। बिटिया को विदाई न दोगे? हर बेटे के बाप को सब्र करना ही पड़ता है माई। तुम ठीक कहते हो रामू, लेकिन दुख तो इस बात का है कि इतना सब कुछ होते हुए भी मैं लुट सा गया हूं। नादान बेटी की जिद के आगे छुप गया हूं। एक अनाथ जो इस घर में विद्यादान लेने आया था, कन्यादान लेके जा रहा है। जा तो रहे हो लेकिन इज्जत से जिंदगी बसर करने के लिए तुम्हें रुपयों की जरूरत होगी। ले लो 10,000 रुपए। ले लो बेटा। गरीब का भी अपना मान होता है पिताजी, उसको रखने के लिए मुझे दौलत नहीं आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद लेकर खाली हाथ जाओगे कहां? सर छुपाने को जगह भी है? भगवान की दुनिया बहुत बड़ी है पिताजी, आपका आशीर्वाद मिल गया सब ठीक हो जाएगा। भगवान तुम्हारा हौसला बनाए रखे। जहां भी जाओ खुश रहो। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए सदा खुले रहेंगे। पारो बिटिया, पारो बिटिया। अरे ये तो रामू काका की आवाज है। टांगे वाले टांगा रोको। पारो बिटिया। रामू काका, रामू काका, मैंने तो सोचा था तुम अपनी पारो बिटिया को भूल गए। बिटिया अपने गरीब काका की ये भेंट स्वीकार कर लो। काका जब मैंने अपने माता पिता से कुछ नहीं लिया तो तुम्हारे माँ बाप बहुत अमीर है, उनके पास धन दौलत सब कुछ है, मगर तुम्हारे रामू काका तो बहुत गरीब है और गरीब के पास दिल के सिवाय कुछ नहीं होता। इनकार कर दोगी गरीब का दिल टूट जाएगा और दिल टूटने से भगवान भी नाराज होता है। नहीं बेटा मैं नहीं चाहता भगवान भी तुझसे नाराज हो। बेटा ले बेटा ले, 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 ले। काका बेटा। अरे भगवान जरा देखना तो कौन आया। तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेते, मैं यहाँ फालतू बैठी हूँ। बैठे बैठे मर रहे हो क्या? अच्छा बाबा मैं ही देखता हूँ। कौन है भाई? बोल रहा हूँ। अरे शंकरी। हाँ मेरे दासो।
नमस्ते भाई साहब। भाई साहब, अरे छोड़ भाई, देखने तो दे। हाँ नहीं नहीं नहीं, पहले मुंह दिखाई देनी होगी। मुंह दिखाई? हाँ, तो भाभी को भी क्या? अरे शंकरी, अरे भगवान, शंकरी भाभी जल्दी तो आओ, देखो कौन आया है। अरे ऐसी कौन सी आफत आ गई जो इतना चीख चिल्ला रहे हो? तुम्हें तो हर वक्त नमस्ते भाभी। चल। अरे भगवान देख क्या रही है, ये अपना शंकरी है शंकरी, और ये इसकी भाभी। अरे इसकी नहीं, ये तो अपनी भाभी है, ये तो इसकी वो है जो तू मेरी है। मतलब ये कि समझ गई ना? हाँ हाँ समझ गई। समझ गई तो मतलब ये कि कुछ कर। अरे अरे रामदास, तू तो ऐसा बौखला गया है जैसे तेरे घर हम नहीं आए, कोई आफत आ गई। अगर अभी से यह हालत है तो दो चार दिनों के बाद। अरे भैया, ये तो हम ही है जो इनके साथ निभ रही है। हमारी जगह कोई और होती तो सुबह की शाम चली जाती। आओ बहन, इनके साथ तो अच्छे अच्छों का दिमाग खराब हो जाए। दासु, तुम दोनों हमेशा यूं ही लड़ते रहते हो क्या? नहीं यार, पता नहीं आज उसे क्या हो गया। वैसे दिल की बुरी नहीं है, तुम उसकी बात का कुछ ख्याल न करना। अच्छा पहले ये तो बताओ, तुमने चुपचाप शादी कर ली और हमें बुलाया तक नहीं। क्या बताऊं दासू, बात ही कुछ ऐसी थी। क्या बात थी? सुनो। तो अभी तक तुमने ससुराल का मुंह नहीं देखा। चुप रहे कम्बक, इतना भी नहीं ख्याल कि घर में मेहमान आए हुए हैं। बच्चे के जाने मेहमान क्या होते हैं। कहाँ है देवर जी का घर? काश अपना भी कोई घर होता। शंकर, तो क्या ये कोई दूसरे का घर है? नहीं नहीं दासू, अगर दूसरे का घर समझता तो यहाँ आता ही क्यों? ये ठीक है कि हम कोई गैर नहीं, लेकिन अपना घर अपना ही होता है। देख शंकरी, तू अगर ऐसी दिल तोड़ने वाली बातें करेगा ना तो मैं तेरी शिकायत तेरी भाभी से कर दूंगा। अरे ये भाभी, ये क्या तुम? मेरा मतलब है फिर बौखला गया। चलो मिलाता। अरे ये क्यों लाएगी? सुन, चाय पी कर तेरे पास चलते। भाभी जरा एक बात सुन ना। कहना मतलब ये है कि... देख शंकरी, ठीक नहीं होगा। भाभी तुम इसे अपना ही घर समझना, इसकी बातों का कुछ ख्याल न करना। अगर किसी किस्म की तकलीफ हो, क्या अपने घर में कोई तकलीफ नहीं होती भाभी? क्यों नहीं होती भैया? देख शंकरी, भाभी कितनी समझदार है। हाँ भाभी, तुम इसे अपना ही घर समझकर सब बर्दाश्त कर लेना, थोड़े ही दिनों में भगवान सब ठीक कर देंगे। तुम ठीक कहते हो भैया। ओहो, इस महंगाई ने तो तंग कर दिया। लाख काट कपट करो मगर पूरा ही नहीं पड़ता। पहले जमाने में जब कोई घर में मेहमान आ जाता था तो लोग उसे भगवान का अवतार समझते थे, मगर अब मुसीबत समझता है। अरे क्यों ना समझे, महंगाई जो इतनी है, अपने ही पेट को पूरा नहीं पड़ता तो कोई दूसरे का पेट क्या पूजेगा। ठीक कहते हो। सच पूछो तो आजकल किसी को किसी के यहाँ जाना ही नहीं चाहिए। पारो, अगर चाय पी चुकी हो तो चलो बाहर घूम के आते। अभी आई। देख शंकरी, तेरा ये बेतुकापन अभी तक नहीं गया, अभी अभी तो थका माता आ रहा है। वो बेचारी भी थकी होगी, और आप हैं कि घूमने जा रहे हैं। ये सब बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। अच्छा अच्छा समझदार साहब, जरा मेहरबानी करके जल्दी लौटना, ऐसा ना हो कि घूमते घूमते बिल्कुल ही घूम जाओ। घबराओ नहीं दासू, अगर हम घूम गए तो हमारी भाभी तुम्हें नहीं घुमाएगी, समझे? वो लोग तो घूमने जा रहे हैं, लेकिन तुम इतनी ललचाई हुई नजरों से क्या देख रहे हो? अब तो सिर्फ देखना ही देखना रह गया भगवान, क्योंकि हमारा तुम्हारा तालमेल तो कभी सुर में हुआ नहीं कि हसीन जोड़ों की तरह हम भी कभी, यानी कि मतलब हार में जाए तुम्हारा यानी के मतलब ये। मुझे एक बात बताओ, शंकरी से कुछ पता भी लगाया या नहीं? कौन सी बात? अरे यही कि वो देवी जी जो उनके साथ आई है, वो उनकी है कौन? जो तुम मेरी हो। चलो
दिल्लगी में बात मत उड़ा। तो क्या तुम मेरी हो? ये दिल्लगी है? अजीब आदमी से पाला पड़ा है। मैं कहती हूँ ये वो नहीं है जो हम तुम हैं। हो भी कैसे सकते हैं? ओफो श्रीमान भोंदू दास जी। नहीं श्री रामदास जी। मतलब तो एक ही है। मैं ये कह रही थी कि आपके शंकरी साहब और वो देवी जी पति पत्नी नहीं हो सकते। तुम्हारे कहने से तो ये हुआ कि इन बच्चों के बाप भी हम नहीं हो सकते। देखो जी, जबान संभाल के बात करो, नहीं तो मैं भी कुछ कह दूंगी। हाँ हे भगवान। जरा आहिस्ता चलो ना। तुम्हारे साथ साथ चलने के लिए तो मैंने सारे खानदान का साथ छोड़ा है। इसीलिए तो मुझे अपनी किस्मत पर नाज है कि मेरी जीवन साथी कोई मामूली औरत नहीं, साहस की देवी है। देवी का नाम और स्थान? नाम पारो है और स्थान ये। अरे अरे छोड़ो ना, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? छोड़ो छोड़ो ना। पारो छोड़ो ना, कोई देखेगा तो। ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, ये तो मेरी जिंदगी के इतने करीब है, इतने करीब है। वो देखो चिड़ियों का घोंसला कितना प्यारा है। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है? मेरी पसंद ना पसंद का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। जो तुम्हें पसंद है वो मुझे पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है। कितना प्यारा घोंसला है, इसी तरह अपना भी एक छोटा सा घर हो, जहाँ दुनिया के दुखों से दूर इत्मीनान की सांस ले सके, वहां की हवा में सिर्फ हम दोनों की सांसें मिली हो, ताकि बिना जुबान से कुछ कहे एक दूसरे के दिल की बात समझ ले। भगवान पर भरोसा रखो, पर तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। जब मैं माँ के घर से चली थी तो बिल्कुल नहीं घबराई थी, लेकिन जब तुम मुझे यहाँ ले आए हो तो सचमुच घबरा गई हूँ। मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं रहा पर, जिस लड़की ने अपने माँ बाप के सर का बोझ बनना गवारा न किया वो दूसरे के घर चैन से कैसे रह सकेगी? बहुत बड़ी भूल हो गई मुझे। शर्मिंदा न हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। डूबने वाला तो तिनके को भी सहारा समझ लेता है। गुलाब के फूल ले लो, गुलाब के फूल। गुलाब के फूल? कितने सुंदर है गुलाब के फूल। ए फूल वाले इधर आना, एक गुलदस्ता देना। कितने खूबसूरत है ये फूल। कितने पैसे हुए? एक रुपए सर। रहने दो, ये फूल भी कुछ खास नहीं है, ले जाओ भाई। अच्छा। चलो हमें देर हो रही है, वो लोग हमारी राह देख रहे होंगे। चलो इतनी देर हो गई, अभी तक तुम्हारे मेहमान नहीं आए। अरे आते होंगे, नई नई शादी है, घूमते फिरते आएंगे। अच्छा अच्छा, तो तुम बैठ कर इंतजार करो, मैं तो चली खाना। कुछ अच्छी चीजें बनाई है ना? खाक बनाई है, तुम्हें तो जैसे घर की हालत ही नहीं मालूम। अरे करने वाले तो खुद को बेच कर मेहमान की खातिर करते हैं। वो होंगे दानवीर करण की औलाद में से, मुझे तो अपना घर चलाना है, घर को तमाशा नहीं देखना, समझे? समझा, भगवान के लिए जरा आहिस्ता बोलो, कहीं आते आते उन लोगों ने सुन लिया तो क्या कहेंगे? आहा, सुन लिया तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, अपना रास्ता नापेंगे। न जाने कब की मुलाकात आ गए हैं धरना देने के लिए, ये भी कोई रीत हुई? क्यों मुझे जलील करने पर तुली है? तू नहीं जानती शंकरी को, वो बड़ी आन बान वाला है। आहा, जब एक छोड़ दो दो आदमी आके घर में बैठ गए हैं, ये भी नहीं सोचा कि बाल बच्चों का घर है कैसे चलता होगा। अरे अरे तुम लोग आ गए। हाँ, इतनी देर कहाँ लगा दी, कब से हम इंतजार कर रहे हैं। वो क्या बताऊं दासू, आ तो कब खे जाते, लेकिन ये देवी जी कचौरियाँ खाने जो बैठी तो उठने का नाम ही नहीं लेती थी। सचमुच भाई साहब, आपके इलाके में कचौरियाँ तो बहुत अच्छी बनती है, हम दोनों ने इतने खाई कि पेट भर गई मगर जी नहीं भरा। हाँ, अगर इन्हें बदहजमी का ख्याल ना होता तो शायद थाल की थाली साफ कर देती तो। अच्छा अच्छा चलो खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। अरे भैया इतनी कथा सुनने के बाद भी कहते हो खाना खा लो। खाना क्या पेट के ऊपर बांध देंगे भाई साहब। लेकिन तुम्हारी भाभी जो नाराज होंगी। अब वो तुम्हारी तरफ बुद्धू नहीं है, पारो उन्हें समझा लेंगे। मेरी खातिर थोड़ा सा तो खा लो भैया। तुम्हारे खातिर तो जहर भी खा सकता हूँ। चलो जय
जब ये लोग खा कर आए हैं तो फिर क्यों परेशान कर रहे हो? मौसम भी खराब है, कुछ हो गया तो? हाँ भाभी तुम ठीक कहती हो, इनकी तो जैसे अकल मारी गई है। इनकी तो आदत ही ऐसी है भैया, इनको बकने दो। आओ बहन। तू जो कुछ भी कह शंकरी, मगर ये बात मेरे हलक से नहीं उतरती। अरे तू अजीब आदमी है, जरा सी बात का पतंगड़ बना दिया। बात जरा सी हो जब ना, अच्छा खा मेरी कसम कि तू खाना खा के आया। देख देख दासू, दोस्त के घर आकर दोस्त की कसम खाना क्या दोस्ती की तौहीन नहीं होती? बहलावा देकर मेरे यकीन को न डगमगा शंकर। तुझे हो क्या गया है? अच्छा तेरे इत्मीनान के लिए मैं अपनी कसम खाता हूँ, बस। मत कसम खा शंकर, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। एक दुल्हा और दुल्हन के मिलन की ये पहली रात, जिस रात के लोग मजे लेकर मिसालें दिया करते हैं, जिंदगी की सबसे हसीन रात, जिस रात के लोग सपने देखा करते हैं। क्या हो गया है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ, पर हुआ है तुम्हारी किस्मत को, जिसे विधाता ने बनाया है। अरे मेरे मालिक, तेरा भी जवाब नहीं। घर से बाहर ये तुम्हारी पहली रात है, और वो भी अपने पति के साथ, लेकिन भूखे पेट। ये किस्मत का खेल नहीं तो और क्या है? पर क्या सोचकर तुमने मुझसे ब्याह किया था? कौन से सुनहरे सपने देखे थे जिसके खाते तुमने अपना सुख चैन का बलिदान किया? चुप रहो, भगवान के लिए चुप रहो, वरना मैं रो दूंगी। नहीं पारो, रोना मत, वरना किस्मत हंसे ही, और मैं नहीं चाहता वो बेदर्द हम पर हंसे। अगर तुम मर्द होकर दिल छोटा किए रहोगे तो फिर मैं तो औरत हूँ, कैसे अपने दिल को काबू में रख सकूंगी? आन के लिए तो लोग जान तक दे देते हैं, अगर एक रात हमें भूखा ही सोना पड़ा तो इसमें कौन सी आफत टूट पड़ी? लेकिन ये सब हुआ तो मेरी ही वजह से ना। होनी होकर रहती है, वजह कुछ नहीं होती। अब तो हमें ये सोचना है कि हमें करना क्या चाहिए। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। बस इतने में घबरा गए? अच्छा एक बात तो बताओ। क्या? कोई भी या कहीं भी सर छुपाने को ऐसी जगह नहीं है जिसे हम अपना कह सके? नहीं बाबू। एक जगह है, लेकिन 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 क्या बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों हो गए? वो ऐसी जगह है जहाँ ना तो हम खाली पेट और खाली जेब पहुँच सकते हैं, और ना तुम रह सकते हो। ये तुमने कैसे कह दिया? हम हर जगह रह सकते हैं, हर जगह पहुँच सकते हैं। बताइए तो सही, वो है कहाँ और किसकी है? अपने ननिहाल में अपनी है, लेकिन मैं सच कहता हूँ पारो, तुम वहां नहीं रह सकोगे। ये बात तो तुम उस वक्त करना जब मैं कोई शिकायत करूंगी। मैं तो कल सुबह अपने घर जाऊंगी, अपने घर। जानते हो लड़कियों का सफर माँ बाप के घर से शुरू होता है और पति के घर खत्म होता है। वो सब तो ठीक है, मगर अगर मगर मैं कुछ नहीं, ये लो। ये क्या? अपने ननिहाल के है और अपने है। नहीं नहीं पर ये कैसे हो सकता है? तुम्हें मेरे को ले मुन्नी, मिठाई खा लेना, आते वक्त यूं ही चली आई थी इसलिए बच्चों से शर्मिंदा। अरे इसकी क्या जरूरत थी, अपना ही तो घर है, खाली हाथ चली आई थी तो क्या हो गया? अच्छा दासू, शंकरी ये चोट मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। फिर तो चलते वक्त ऐसी बात नहीं किया करते। तू मेरा दिल तोड़कर जा रहा है और कह रहा मैं आ तक ना भरूं। अच्छा भाभी माफ करना, हमने आप लोगों को बहुत तकलीफ दी।
अरे क्यों शर्मिंदा करती हो, कुछ रोज और रहती तो एक दूसरे के दुख दर्द तो समझते। अच्छा नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। भगवान सुखी रखे। अरे भगवान, तूने तो आज मेरी नाक कटवा दी। तुझसे तो इतना भी नहीं हुआ कि घर में नई दुल्हन आई थी, जाते समय उसके आंचल में थोड़ा सा गुड़ चावल ही बांध देती। कौन से अपने सगे सुधरे या रिश्ते नाते वाले थे? अरे दोस्ती से मजबूत और कोई रिश्ता होता है? हर एरू गैरू नत्थू खैरू की दोस्ती कैसी। तांगा रोको। क्यों? जरा तांगा हवेली की तरफ से ले लो। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं, शायद माँ दिखलाई थी। अरे भाई बाजार की तरफ से टांगा लेना। अंदर नहीं जाओगी? नहीं। मां से नहीं मिलोगी? फिर इधर से टांगा क्यों लिया तुमने? तुम्हारी आंखें क्यों मर आई? इन सारे सवालों के मेरे पास जवाब नहीं, मुझे सिर्फ ससुराल जाना है। ठीक है चलो भाई, टांगे वाले घुमा लो। रही है। नहीं तो, मैं अभी बाहरी से आ रहा हूँ, वहाँ तो कोई नहीं है। कोई नहीं? अच्छा। पारो के लिए तुम पागल हो जाओगी माँ। सवारी सवारी अमार गाड़ी में बैठा। अरे आवा बाबूजी आवा, क्या सीतापुर जाएगा है? हाँ सीतापुर ही जाना। अरे बाबूजी हम तो कल सीतापुर पहुँचा की, हमारे हीरा पन्ना है ना, फरफर करके दो मिनट में सीतापुर पहुँचा दी। हीरा पन्ना? हाँ बाबूजी, ये हमारे दो बैलन का नाम है। बाबूजी हमारे मामा कहत रहा जब यहाँ के बड़े ठाकुर रहे ना, तो ये हीरा पन्ना फरफर करके दो मिनट में सीतापुर पहुँचा दे। बड़े ठाकुर क्या नाम था उनका? उनका नाम तो हम नहीं जानते बाबूजी, लेकिन हमारे मामा जानत है। ओम मामा। अरे ओम मामा। अरे उठा मामा उठा। ये बाबूजी बड़े ठाकुर का नाम पूछत रहा। अरे बड़े ठाकुर का तो कब का स्वर्गवास हुआ। उनकी एक बेटी थी चंद्रा दीदी, वो भी अभी नहीं रही। चंद्रा दीदी? मैं उन्हीं का तो बेटा हूँ। सच? हाँ मैं उन्हीं का बेटा हूँ शंकर। छोटे मालिक तुम इतने दिन कहाँ थे? बहुत लंबी कहानी है मामा। लेकिन मामा उनका कोई घर बार तो होगा? अरे घर बार तो उजड़ गया, खंडर हो गया। लेकिन तुम? मामा ये तुम्हारी बहू है पारो। मेरी बहू? हाँ। यानी तुम्हारी बहन छोटी मालिक? अरे ओ मक्खन हम यहाँ है मामा। अरे बहू को गाड़ी में बिठाओ। बैठे बहू। हम तो कहा कही भाभी। भाभी बैठा शंकर भैया बैठा बैठा भाभी बैठा बैठा। ए ओ मामा मुंडी बैठा छोटे मालिक बैठा छोटे मालिक। अरे चला हीरा पन्ना खंडर के ठाकुर साहब का बेटा बहू को लेके आया है। खंडर ठाकुर जा रहे सुखिया को बुला के लाओ। अरे ओ सुखिया मामे, अरे जल्दी आवा भाई को आया देखा। बाबा बिट्ठू बिटिया बिटिया बिट्ठू बिटवा था, वो बिटवा एक औरत लेके आएगा वहाँ है। अरे तू क्या बोल रहा है, कुछ तो समझ आए। नहीं
ने कहा? नहीं। सुना, वो भेंडर के मालिक ठाकुर बाबा की इच्छा बिटिया थी, वो बिटिया को एक था बिटवा था, वो बिटवा एक था सुंदर सी दुल्हनिया लेके आएगा वहाँ है। दुल्हनिया? हाँ दुल्हनिया, उनका सत्कार करेगा तो चले कहा है, चलो। चलो। अरे खैर मामी, ये झाड़ू लेकर सत्कार करोगी ठीक? अरे मैं तो भूल गई। कौन है रे? अरे वो तो तेरा मामा है, चलो। तेरे के हम ये भी। अरे आवा मामी आवा। क्या है? क्या है क्या? अरे ये अपने शंकर भैया और ये इनकी दुल्हनिया। अरे अपनी बहू। अपनी बहू? आओ बहू। लेकिन मामा क्या है बहू? वो हमारा घर। तुम्हारा घर? हाँ। वो देखो खंडर, वहाँ पहले तुम्हारा घर था। अच्छा चलो पर मामा। अरे ओ सुखिया, अरे हम भी सुनेंगे मामा क्या कहते हैं। और क्यों बीच में चपकते हैं? कहो ना जल्दी। अरे कहता हूँ ना। आती हूँ बाबा, आती हूँ। आवा आवा आवा। काहे को तू चिल्लाता है? मेरे सोने से जीवन में लो बहार छाई, मेरा खंड है स्वर्ग बनाने, स्वयं लक्ष्मी आई, गृह लक्ष्मी आई, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। अरे ला मामा कर दो ला लो। संभल के आ नहीं तो गिर जाएगी। हाँ, नहीं जहाँ है। तुमने इतना सारा बना डाला? पहले दिन ज्यादा खुशी होती है ना? और पहली रात को? मुझे नहीं मालूम। देख क्या रहे हो? खाना ठंडा हो रहा है, खाओ ना। अकेले खाना पड़ेगा? तुम नहीं खाओगी? मैं बाद में खाऊंगी।
तुम्हें भी खाना पड़ेगा। मैं नहीं खाऊंगी। लो लो अरे लो लो। हमने तो आपका मुंह मीठा कर दिया, अब हमारा भी करो। बच्चे हो क्या, अपने हाथ से खाओ। खाओ ना। नहीं, खिलाना पड़ेगा तुम्हें। बड़े जिद्दी हो। लो। तुमने तो हमारा मुंह तीखा कर दिया। मुंह मीठा कराओ। अच्छा पापा, लो। ऐसे नहीं तो ऐसे चले हटो। नहीं अब कौन है? ना 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 ना, वो तो मैं हूँ सुखी, दूध लाई हूँ। बहुत देर से खड़ी हूँ यहाँ। हाँ नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, हाँ कुछ देखा? हाँ देखा। नहीं देखा नहीं, सुना। क्या सुना? सुना 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 नहीं, देखा। ओह अच्छा अच्छा, मैं चलती हूँ, कल सवेरे लोटा लेने आऊंगी। हाँ मीठा चुपचाप खाना खाओ। गई वो, चलो खाओ। बम बोले लगी भूख तो किसको बोले, अब तो दही का मड़का खोले। हाय राम, ये क्या हुआ? अरे अरे, सारे दही का सत्यानाश कर लिया। क्या करूं, मुझे भूख लगी थी। तो क्या चोरी से खा रहे थे? नहीं चोरी से नहीं। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तुम मुंह तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। हाँ चलो। तुम मुझे खाना खिलाऊंगी? है बजरंग बली, ये एकाएक बदल कैसे हो गया? मगर तुम ब्रह्मचारी, तुमको क्या मालूम है महाकाली, ये बदल कैसे हो गया जरा बताओ। ओ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। बाद में क्यों, हमें अभी बताओ। अभी नहीं बताती क्या? बताओ ना। तू जा ना। जाता हूँ ना। मुझे सांवले लाऊंगी क्या? भीड़ तुलसीदास वाह चंद्र घिसे दिन भर खा के आए तुलसीदास चंदन किसे तिलक लगाए रघुवीर। अच्छा 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 अच्छा, क्यों फिर बदल गई? ये क्या कहा तुमने, आज तो मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगी। क्यों, मैं क्या दूध पीता बच्चा हूँ? मैं नहीं खाना खाऊंगा तुम्हारे हाथ से। क्यों, लाज आती है क्या? लाज की क्या बात है, फिर मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर खाओ ना। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगी, आज कुछ बात ही और है। अच्छा क्या बात है? पहले खा लो, मैं बाद में बताऊंगी। हटो, उसने इतनी जोर से थोड़ी ही काटा था। किसने? वही शंकर भैया ने। किसे? अपनी बहू को। अच्छा इसीलिए दूध लेके गई थी। हटो, मैं काहे को जाऊंगी, मैं तो ऐसे ही चली गई थी तो देख लिया। नहीं वहाँ तो तुमने देख लिया, मगर अब यहाँ कौन देखने आएगा? हटो हटो। हमको बता, अरे हम थोड़ी मर गए। बता मामा कहाँ है, बता जल्दी बता। आ गए ठकाठक। मौसी मौसी, मुझे ही भूल गया। हद तेरे की, हम तो बिल्कुल भूल गए थे। वहाँ मामा को भूल गए थे, यहाँ मामी को भूल गए थे। अच्छा। मामी जल्दी से दस सब्जी चपाती फटाफट, नहीं तो हम ही ले लेते। ले खा ले फटाफट। तेरे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ क्या सचमुच तुम हो, या वो ख्याल जो मेरे दिमाग में घूम रहा है? नहीं, वो मूर्ति जो तुम्हारे दिल में बसी है।
लेकिन इस मूर्ति को दुल्हन बनाने के लिए ये सब चीजें कहाँ से लाई तुम? रामू काका की भेंट में से। अच्छा अच्छा, मालूम होता है काका ने अपनी उम्र भर की कमाई तुम्हें भेंट कर दी। इसलिए तो उस भेंट के साथ साथ खुद को अपनी देवता की भेंट करने आई। कहीं मेरी नजर न लग जाए, मगर इसने तो तुम्हारी खूबसूरती और भी बढ़ा दी। मालकिन, 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 रामू, चिट्ठी है। किसकी है? पता नहीं, लगता है पारू बिटिया की। वो क्या लिखेगी? भगवान जाने वो लोग कहाँ है। अरे तू सच कह रहा है, उसी का खत है। क्या क्या लिखा है मालकिन? जरा पढ़ने दे। भगवान करे अच्छी खबर। सीतापुर, लिखती है पूज्य माता जी। माँ, ये चिट्ठी मैं सिर्फ तुम्हारे और रामू काका के लिए लिख रही हूँ, क्योंकि तुम्हें दोनों मेरे लिए ज्यादा बेचैन होंगे। उसने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा। कुशलता से मैं अपने घर पहुंच गई हूँ, जहाँ पर अपना सब कुछ है। यहाँ पर अपना कोई न होते हुए भी कोई घर नहीं। अपनी इस छोटी सी जगह में बहुत बड़ी दुनिया है, माँ और काका के दिल की तरह। आशीर्वाद दो माँ कि तुम्हारी पारो इस दुनिया में फूलती खलती रहे। मेरे इस छोटी से घर में पिताजी की शान के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन माँ के ममता के लिए बहुत कुछ है। पगली कहेगी अभी तक अपने पिता से नाराज है। कौन अपने पिता से नाराज है लक्ष्मी? कोई भी तो नहीं। ये पशु क्यों? अपने पारू की चिट्ठी आई है। फिर तो है, कहाँ है? वापस आ रही है क्या? नहीं, वो अपने घर है और राजी खुशी है। यूं ही दिल रखने के लिए लिख दिया होगा। वो क्या राजी खुशी होगी? बड़ी को ठोक बजा के दिया था, वो तो आठ आठ आंसू रो रही है। माँ से क्या बात? से क से ख से ग से ग से गणपति। ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे हम कहते हैं नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कहा नहीं हो सकता? अरे वही मामी जो हम कह रहे, तू भी कह, नहीं हो सकता। हाँ, हम का कह रहे? अरे कह ना मामी, ये नहीं हो सकते। अरे कह ना मामी, ये नहीं हो सकते। अरे कह ना मामी, ये बात है। ठका ठक, अरे क्या पक्की बात है? ठका ठक मामा,
जैसे शंकर भैया का मोर नहीं हो सकता, मामी का मुंह नहीं हो सकता, वैसे मामा मुंह रखना ही हो सकत। पारो, जानती हो स्कूल में पढ़ने के लिए कितने बच्चे आए? 40। अच्छा। दिन ब दिन बच्चों को पढ़ने का शौक बढ़ता जा रहा है, अब तो आसपास के गांव के बच्चे भी आने लगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे ये क्या? जाओ इसे चौधरी के घर लौटाओ। मैं ना ना करती रही, फिर भी चौधरी ने इसे रखकर भाग गई। कहती थी मैं अपने बच्चों को मुफ्त में नहीं पढ़ाऊंगी। अरे फिर तुम लौटाने को क्यों कह रही हो? हम मांगने थोड़ी गए हैं, कोई अपनी खुशी से रख जाए तो रख जाए। नहीं, मैं एक दाना भी नहीं रखूंगी। हमने विद्यादान के लिए स्कूल खोला है, अपना घर चलाने के लिए नहीं। तुम्हारे जेवर बेचकर काफी दिन धनवान बना रहा, अब बैग में सिर्फ 30 रुपए और 10 नए पैसे हैं। नहीं, 32 रुपए 30 पैसे। खैर, इससे तुम कितने दिन घर चलाओगी? अनाज या फीस की सूरत में कुछ न कुछ तो आमदनी का जरिया होना चाहिए। आमदनी का जरिया पास ही है, कहीं दूर नहीं। थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, सो कर लेंगे। मैं समझा नहीं, साफ साफ कहो। तो सुनो, घर के साथ मिली हुई कितनी कार जमीन है, उसमें सब्जी तरकारी बोई जा सकती है, फल उगाए जा सकते हैं। पर तुम कितनी समझदार हो, यही कहना चाहते थे ना? मेरी तारीफ करना है तो बातों से नहीं, हाथों से करो। ऐसे नहीं, ऐसे। आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, क्या बात है? अपनी जितनी भी बंजर जमीन थी ना, उसे खोद कर मैंने उपजाऊ बना दिया। ये क्या कर रहे हो? छोड़, चलो मैं खाना परोसती हूँ। आज तो मैं खाना तभी खाऊंगा जब तुम अपने हाथों से मुझे खिलाओगे। बच्चे हो क्या? बूढ़ा भी तो नहीं। चलो, अरे छोड़ो, मंजूर है पापा, चलो मैं खिलाती हूँ। अभी हाथ भी मुझे ही धुलाने पड़ेंगे। इतने बड़े पप्पू जी, मैं भी कितनी कठोर हूँ कि तुम्हें ऐसे मेहनत के काम में लगा दिया। ये भी न जाना कि तुम्हें इसकी आदत नहीं है। नहीं नहीं, ये तो मामूली है, दो चार दिन में ठीक हो जाएंगे। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे एक इशारे पर मैं अपनी जान भी दे सकता। ऐसा मत कहो, चलो मैं तेल लगा देती हूँ। अपनी कमाई से लाई हुई चीज को इस तरह से तोड़ते फोड़ते तो दर्द भी होता, ससुराल की चीज तोड़ने में तुम्हें क्या दुख होगा? बहुत नाराज है तुम्हें अपने मायके पर, क्यों? क्यों ना हो, अगर हमारे मायके वाले हाथ खींच ले तो तुम्हारे ठकुराई सरे बाजार नीलम हो जाए। हद से आगे मत बढ़ो सावित्री, तुम्हारे मायके वाले देते हैं तो अपनी बेटी को, इसका एहसान मैं क्यों लूं? तुम तो एहसान फरामोश हो, तुम क्यों एहसान ढोने लगी? घर से रकम ले ले जाकर जुए में जो हारते हो उसमें कितना तुम्हारे अपनी कमाई का रहता है? खामोश, मायके की बच्ची बड़ी आई मायके वाली। वो देखो पारो, अपनी मेहनत करना। कितने प्यारे प्यारे नन्हे पौधे निकल आए हैं, देखो देखते ही देखते पौधे कितने बड़े हो गए हैं। कुछ ही दिनों में ये फल भी देने लगेंगे। देखो पारो, मैंने कहा था ना कुछ ही दिनों में फल आ जाएंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ पारो, बहुत खुश हूँ। मैं नहीं, हम। हाँ।
पारो, ये नींबू का अचार। अच्छा, अब मेरी भविष्यवाणी सुनो। भविष्यवाणी? पांच छह या छह सात महीने के अंदर तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। चलो ऑटो, बड़े आए ज्योतिषी महाराज। मामी ने यूं ही अंदाजा लगाकर कह दिया होगा, सुनकर भविष्यवाणी करने लगे। हाँ, कहा तो मामी ने ही था, लेकिन सच कहना, उनका अंदाजा गलत था या ठीक? सच भी हो सकता है। अरे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? घर में खुशी होने वाली है और मैं बाहर से सुनकर आ रहा हूँ। तुम इसे खुशी कहते हो और मुझे लग रहा है हम पर बोझ पड़ने लगा। अरे पगली, नाजुक से नाजुक टहनी को भी अपने फूल भारी नहीं होते। घर में बाहर आने वाली है और तुम सोच भी पड़ गई? मैं तो इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकता। अब उठो, खाना खा लो। तुम खा लो, खुशी के मारे मेरी तो भूख ही मिट गई है। अच्छा पारो, बच्चा 7-8 महीने से पहले नहीं आ सकता? हाँ, बाप बनने का इतना शौक है तुम्हें? हाँ, फोटो खिंचवा कर अपनी तस्वीर देखने की जल्दी होती है ना, कुछ ऐसी जल्दी लग रही है। क्या कह रहे हो? आज मेरी आत्मा इतनी फैलती जा रही है कि मुझे यहाँ घुटन सी महसूस हो रही है। सुहानी शाह, झील के किनारे जाकर बैठूंगा। मेरे बगैर चैन से बैठ सकोगे? मुझे विश्वास है मैं बेचैन हुआ तो मेरा चैन बनकर तुम वहीं चले आओगे। Thank you.
की हो दुखी, आ जाओ। हायरा, इतनी ढेर सारी इमली और ये मिट्टी, क्यों गांव को न्योता बांटना है क्या? अरे गांव को न्योता बांटने के लिए क्या मिट्टी और इमली का बांटूंगा? चूर के लड्डू खिलाऊंगा। मगर तब जब चौथी औरत आएगी तब। जी जी जी, ऐसी मनुष्य बात मत करो सुखी। काहे, अब और सेहरा बांधने का इरादा नहीं है क्या? तीन हो गई बस। अरे अब तो हमने योजना कर ली है। योजना? बस तो देश का कल्याण हो गया। योजना है दो तीन बच्चे और बस। तुमने तीन औरत करके बस कर लिया। चलो अच्छा किया। हाँ सुखी, हमने सोचा पहले घड़ी घड़ी शादी करने के झंझट से छुटकारा कर ले, उसके बाद आराम से बच्चा पैदा करने के बारे में सोचेंगे। क्या ख्याल है? क्या खास सोचोगे? जब योजना करा ली है तो आसमान से टपकेंगे क्या? अरे पगली, योजना करा ली नहीं, योजना की है, और वो भी सिर्फ औरत के लिए। हाँ। अब तो तुम अकेली रहोगी। हटो ना, ऐसा मजाक मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे मजाक की कौन सी बात है? ओहो ओहो, अरे इसी योजना के लिए तो मैंने इमली और मिट्टी लाके रखी है, जरूरत हो तो ढूंढना ना पड़े। तुम्हारी तो वही मिसाल है, सूत न कपास, जुलाओ से मटकौवल। क्या हम औरत मर्द नहीं है? क्या हम जवान नहीं है? है ना? ये गधा कहाँ से खाट रहा है? ये मामा, मामा, चौधरी काका कह रहे थे जो बुड्ढा फूसट जवान छोकरी को दुल्हन बना के घर में ले आता है ना, वो उसके दिन रात खुशामत में लगा रहता है। ये ठीक है ना? अबे चल भाई, अरे तू भाई ठकाठक ठकाठक तक तेरे की, हम भूल गए थे। अच्छा जाते हैं फटाफट। लक्ष्मी, लक्ष्मी जी, तुम्हारी सावित्री की मांगों से तुम्हें तंग आ गया। क्यों, क्या हुआ? लो पढ़ो। माँ बाप जन्म के साथी होते हैं, कर्म के नहीं। पैसे भेजो, पैसे भेजो, पैसे भेजो, बाप का शरीर टकसा समझ लिए। आखिर में आखिर लड़की है ना, पति देखभाल करना छोड़ दे तो लड़कियां माँ बाप की तरफ ही देखती है। ठीक है, लेकिन लेकिन अपने और भी तो बच्चे हैं, प्रताप है, कामिनी है, पारो है, वो तो माने नहीं बनी बैठी है, उसे किसी चीज का लोभ नहीं। माँ, दीदी अपना शान जताने के लिए खाम खा हमें परेशान करती रहती है। प्रताप, तू भी अपने बाप की बोली बोलने लगा? माँ, बेटा, चार दिन के बाद रक्षाबंधन है, सावित्री और पारो के घर चले जाना। सावित्री के यहाँ तो चला जाऊंगा माँ, लेकिन पारो के यहाँ नहीं जाऊंगा। क्यों? इसलिए कि वो गरीब है? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं, मुझे उससे डर लगता है। चलो, इसी से तो डरते हो, फिर भी चले जाना। त्योहार का दिन वो आस लगाए बैठी रहेगी। अच्छा माँ। श्रावण बालम, श्रावण बालम, श्रावण बालम। तो फिर चली क्यों है? अभी तो काफी रात बाकी है। अभी तक जाग रही हो तुम? मेरे जागने ना जागने से क्या होता है, मेरी किस्मत तो सो रही है। बहुत खराब है तुम्हारी किस्मत। मेरी किस्मत खराब ना होती तो क्यों तुम औरत के जज्बात को चकले और क्लब की भेंट चढ़ाते? क्यों मेरी जिंदगी तबाह करते? तुम्हें ऐसे ही करना था तो मुझसे शादी क्यों की? ये सवाल तो तुम्हें अपने माँ बाप से करना चाहिए जिन्होंने तुम्हें मेरे साथ थोपा है। तो क्या मैं जबरदस्ती तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारे साथ थोपी गई हूँ? बिल्कुल। कोई व्यापारी अगर अपना खोटा माल पॉलिश करके किसी ग्राहक को दे दे तो उसे सर थोपने ही कहते हैं। कौन सी खोटा है मुझमें? आवारा हूँ, बस चलूंगा, बस सूरत हूँ, आखिर क्या हूँ मैं? तुम वो हो जिसे घर का सुखचैन खत्म हो गया। जब औरत मर्द के मुकाबले में अपने आप को बड़े घर का समझने लगे तो उस घर का सुखचैन सब खत्म हो जाता है। दूसरों का तो आज निकाल रहे हो, अपनी करने को क्यों नहीं देखते? जब घर का सुखचैन खत्म हो जाता है तो मर्द भटक जाता है, अपने को बड़ा जताने के लिए जुआ खेलता है, रंडी के कोठे पर जाता है और सुकून के लिए शराब पीता है। अगर मेरी वजह से तुम्हारा सुखचैन खत्म हो रहा है तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? बड़ी दुकान से खरीदा हुआ माल वापस करना बहुत मुश्किल है। सो गए क्या? कोशिश तो कर रहा हूं कि नींद आ जाए, और एक कबक भी तुम्हारे सहारे के बगैर मेरे पास भटकने का नाम ही नहीं लेती। अच्छा अच्छा, खुशामद करना तो कोई तुमसे सीखे। नहीं, सच कर रहा हूं, पर तुमने मुझे इतना मजबूर कर दिया है
कि जब तक तुम मुझे थपकिया ना दो मुझे नींद भी नहीं आती। कहो तो लोरी भी सुना तू। वो तो जब सुनने वाला आएगा तुमको भी सुनाने लगोगी। चलो तुम कल रक्षाबंधन है ना? है। एक राखी लेके आना। क्या प्रताप आने वाला है? हाँ। वो जरूर आएगा। तुम भी कितनी भोली हो पागल। खोल लूंगा राखी। भूलना मत। नहीं 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 कहो तो मैं लिख के दे दूं। जोर से दबा। मालकिन के बच्चे इधर तो आ। क्या है मालकिन? चल इसे साफ कर। हाँ सारा दिन बैठ के तेरे बिता रहता हूँ। काम के लिए तू मुर्दा हो जाता है और जबान चलाने में एक बात पीछे नहीं छोड़ता। अरे हूँ क्या कर? सुनाई नहीं देता? नहीं। जा दरवाजा खोल। दीदी प्रताप तू खुश रहो घर पर सब ठीक है ना? वहाँ पर तो सब ठीक है पर तुम अपने कहो किस पर बिगड़ रही थी? अपनी किस्मत पर बिगड़ रही थी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ दीदी? छोटी छोटी बातों में बिगड़ती रहती हो। अब तक तो दिमाग खराब नहीं हुआ है लेकिन यही हालत रही तो मैं बहुत जल्द पागल हो जाऊंगी। फिर यहाँ रहने से क्या फायदा? चलो घर चले। अब मैंने भी यही सोच लिया है मैं यहाँ नहीं रहूंगी। चीजा जी कहाँ है? होंगे किसी क्लब या कोठे पे जहाँ उनका दिल बहलता है।
अरे सवेरे सवेरे अपने घर के सामने तांगा क्यों खड़ा है? अरे प्रताप तुम कब आए? नहीं अभी जा रहे हैं। जा रहे हैं? अरे भाई बहन में झगड़ा हो गया क्या? देखो प्रताप तुम तो अपनी बहन को जानते हो, वो तुम्हारी बहन है। ये सब सामान उतार लो, मैं पुनिया को बुलाता हूँ। पुनिया ये सब सामान उतार ले। सामान उतारने के लिए नहीं चढ़ाया गया, ये लो संभालो अपना घर, मैं चली। कहाँ? माइक के। हाँ तुमको जाने से रोका किसने? जब तुम अपना दिल बहलाने के लिए रात रात पर घर से गायब रहते हो तो मैं भी अपना दिल बहलाने के लिए मैके जा रही हूँ। तो जाओ ना, जब औरत के दिमाग में मायके का भूत सवार रहता है तो घर गृहस्थी नहीं देख सकती। गो। तुम अपनी गलती मानने वाले कब हो? दूसरों के सर इल्जाम डालते रहोगे? दीदी अब चलोगी भी या यूं ही झगड़ा करती रहोगी? चलती हूँ भैया। अच्छा मैं जा रही हूँ, अब आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा तब देखा जाएगा। चलो प्रताप। बैठा बैठा बैठा। अरे हमारे हाथ पैर में बहुत ताकत है। तो फिर जावा। ए बाबूजी हमारे साथ बैठा। हमारे पास पैसे नहीं भाई। तो फिर जावा। कहा जाएगा बाबूजी? सीतापुर। सीतापुर? हाँ। सीतापुर किन के यहाँ जाएगा है? शंकर के यहाँ। हाँ। शंकर के यहाँ? शंकर तो यहाँ कहाँ? वहाँ भुट्टे बेचत है। भुट्टे? ओ शंकर भैया सीधे का कौन आवा है? क्या है माखन? ये देखा कौन आवा है? अरे आप और भुट्टे? जब शंकर ही भुट्टे बेच रहा है तो पारों का क्या हाल होगा, हमें कौन पूछेगा वहाँ? चलो प्रताप वापस चले। लेकिन चलो भी सुनी तो। प्रताप की सेवा कुछ सूझ नहीं रहा। प्रताप आया था ना? बहन का प्यार उसे खींच तो लाया लेकिन लेकिन बहन के पति की हालत सुनकर प्यार दब गया और शर्म सारी यहां तक उभर आई कि उसने तुमसे मिलना भी गंवाना ना किया। दुख से मेरा कलेजा फटा जा रहा है, भाई और बहन के बीच में ही दिखा बन शंकर।
मेरे लिए तुमने दुनिया भर के ऐशो आराम को त्याग दिया। अपनों से मिलने की तड़प कब तक दबाओगी? खून खून ही होता है, पारो पानी नहीं होता। मेरे लिए तो तुम क्यों दुखी हो रहे हो? सच कहना पारो, प्रताप के लौटने का तुम्हें कोई दुख नहीं हो? मगर इस दुख का गिला प्रताप से नहीं, भगवान से। भगवान से? मेरे संजोग तुम संग लिखे थे, तो दौलतमंद घराने में मेरा जन्म क्यों लिख दिया? आज अगर मेरा भाई मेरे जैसा होता तो बहन के गरीबी से उसे शर्म तो न आती। इसीलिए मैं मक्खन को मना कर रहा था। हाँ मैं तो भूल ही गया, तुम्हें तो हर वक्त खुश रहना चाहिए, हाँ? वरना हमारे प्यार का फूल मुरझा जाएगा। तुम यूं ही अपने आप को कोसते रहे तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? किसी ने सच कहा है, बेवकूफों के सर पर सिंह नहीं होते। इतनी सुशील समझदार पत्नी मुझे मिली है और मैं अपने आप को कोसने लग गया। कुछ बात है। पहचानने में गलती की होगी। माँ प्रताप पहचानने में गलती कर सकता है, लेकिन मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मुझे भी कहते हुए ला जाती है, बेचारा भुट्टे बेच रहा था। देखकर तो मुझे शर्म आ गई माँ। और मैं रास्ते भर रोती रही। जब शंकर का यह हाल है माँ, तो न जाने पारो का क्या हाल होगा। भूखे पेट ही सो जाना पड़ता होगा बेचारे को। तो फिर तू उतर क्यों नहीं गया? दीदी जो मेरे साथ थी। तो ये क्यों नहीं कहता? गरीबी के बीच अमीरी की दीवार आ गई थी। माँ बेटी, ये माँ के दिल से पूछ, उस पर क्या गुजर रही है। प्रताप तुझे तो सोचना चाहिए था, अमीरों के घर तो सभी जाते हैं, गरीब बहन के घर भी जाकर देखता, प्यार की बरसात कर देती। मगर जहाँ खाने को न हो माँ, वो राखी कहाँ से बांधती? जाके तो देखता वो तेरे लिए क्या नहीं करती। अगर कुछ नहीं होता तो आंचल को ही फाड़ कर राखी बांध देती। सुनिए, कल राखी लाना भूल गए थे। लाया तो था, लेकिन मक्खन की बातें सुनकर मैंने वहीं फेंक दी। मैं अभी लेकर आता हूँ। नहीं, मेरे भैया के लायक यहाँ राखी कहाँ मिलेगी? और ऐसी वैसी राखी से मैं भैया की शान क्यों मिटाऊं? बहन का रिश्ता भी एक अजीब रिश्ता है। बोलो। तूने शंकर भैया को देखा? शंकर भैया? या तो खेतन माँ होई या फिर सकूल माँ। तू जल्दी से शंकर भैया को बुला, बहू के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पेट में दर्द? ए मामी, ए मामी, जरा हमको बताओ ये पेट ये दर्द कहाँ होता है, बताओ हमको। अरे वो बुद्धू, बच्चा होने वाला है। बच्चा? बच्चा? ए मामी, हमका बच्चा दिखाई, हमका बच्चा दिखाई। अरे हुआ नहीं, होने वाला है। बहुत दर्द हो
अभी बुलाई थे, अभी बुलाई थी। ए मामी, तू अपना पेट का दर्द पेट में दबा के रखा। हम अभी शंकर भैया को बुलाते, अभी बुलाई थे, अभी बुलाए। यहाँ नहीं, यहाँ जाते। अभी बुलाई थे। बोलो मामी, बुला रही है। ओ शंकर भैया, अरे ओ शंकर भैया, ओ शंकर भैया, अरे 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 कहाँ छुप गया कठोर। ओ शंकर भैया, अरे शंकर भैया, यहाँ भी नहीं। माँ से गा से ए, चुप करा, हम गधा नहीं है। शंकर भैया, मामी के पेट में बहुत दर्द है। मामी को दर्द है? हाँ भैया, पेट में बहुत दर्द है, बच्चा होने वाला है। बच्चा और मामी को? हाँ भैया, पेट पकड़ के कहते हैं, हमारे पेट में बहुत दर्द है, बच्चा आवे का है। मामा कहाँ? मामा को नहीं, तुमको बुलाया है। मुझे? हाँ, जल्दी चला शंकर भैया, चला 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 चला, चला। बच्चा पेट में दर्द, मामी, बच्चा पेट में दर्द, मामी, मामी, मामी। शंकर भाई आप आए, जल्दी से घर जाइए। बच्चा वो क्या बात कर रहे हो? ये तो क्या बकवास कर रहा है? मामी पेट में दर्द। अरे बुद्धू, बच्चा मुझे नहीं हुआ, वो तो आप क्या हुआ, बहू को। सच? हाँ, अब जल्दी से घर जाइए। अरे मुबारक हो शंकर भैया, जल्दी जाओ। कैसी हो तुम? अब अच्छी हूँ। मेरी तो जान ही निकल गई थी। क्यों, इसमें डरने की क्या बात है? नहीं, वैसे तो डरने की कोई बात नहीं थी, लेकिन अरे हाँ, बेटा है या बेटी? बेटा। अरे वाह 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 बेटे, बिल्कुल अपनी माँ की शक्ल लेके आया है। वैसा ही नाक, वैसे ही कान, वैसे ही आंखें, वैसे ही माथा, वैसे ही गाल। अरे इसके होंठ तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। पप्पी लो, चलो हटो, बच्चे की। माँ, क्या हो इस्तेमाल है? कारों दीदी की चिट्ठी आई है, मैं मामा बन गया हूँ। और मैं? तू नाना? हाँ, मैं नाना, मामा। अरे रे, ये नाना मामा क्या लगा रखा है? माँ, कारों दीदी के यहाँ बनना हुआ है। सच? हाँ, क्या मैं झूठ बोलूँ? ये रही चिट्ठी। सुनो तो, सुनो तो, पार्वती के लड़का हुआ है। जिम्मेदारियां और बढ़ गई। ठंड यहाँ क्यों पड़ते हो? खुशी की बात है, दो दिन की फुर्सत हो तो नवासे को देख आते। और इसी बहाने बेटी से मुलाकात हो जाती, नहीं ना? देखो लक्ष्मी, तुम खुद ही चली जाओ, मुझे वक्त नहीं है। सारा कारोबार पड़ा है, जायदाद के चक्कर हैं। फिर भी वक्त निकाल लो, अगर हम ही मुंह फेर ले तो वो बेचारी किसकी तरफ देखेगी? और नवासे का मुंह देखना तो भाग्य की बात है। खैर, मैं इनसे बातों को तो नहीं मानता, लेकिन कोशिश करते हैं। है? मुझे आप क्या लिख रहे हैं? जी पारो, ये मुन्ने की टोपी पहना कर देख लो, छोटी बड़ी हो तो ठीक कर दू। मुन्ना अभी सोया है, ठीक ही हो। ये पालना कहाँ से आया, तुम्हारे मायके से? नहीं, ये कहीं से ले आए हैं। वही तो मैं सोच रही थी, अगर तुम्हारे मायके से आता तो चांदी से मड़ा हुआ ना होता। तुमने सुना नहीं, समझदार लोग तमाचा भी मारते हैं। तुम मुंह देखकर क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम मुन्ने के लिए टोपी ले आई, इनके एक दोस्त ने फ्रॉक का टुकड़ा भेज दिया। मुन्ने को और क्या चाहिए, मेरे वही अपने हैं जो मेरे मुन्ने को अपना समझे। एक बात पूछो, तुम्हारी माँ सगी है या सौतेली? अगर सगी होती तो बच्चा होने की खबर सुनकर तुम्हारे मुन्ने को देखने उड़ कर आ पहुंचती, माँ मजबूर होगी जो नहीं आई। वरना माँ की ममता पर मुझे जरा भी शक नहीं, उसे कितनी खुशी हुई होगी मैं जानती हूँ। माँ बनकर मुझे पूरा अनुभव होगा कि माफ करती क्या होता। तुमने आंख क्यों बंद नहीं पा रहे? मैंने भी
मैंने भी खामखा तुम्हारी माँ की बात छेड़ ली। मामी, जब से मुन्ना हुआ है माँ इतनी याद आ रही है कि मैं ढूंढ रही थी किसे बताऊं। उनसे कुछ कहते हुए डर लगता है कि कहीं अपने आप को कोस लेने लगे। माँ की बात छेड़ कर तुमने अच्छा किया मामी, मेरे आंसू निकल पड़े और दिल हल्का हो गया। दिल को दिल से राह होती है पारो, तुम इतना याद करती हो तो तुम्हारी माँ आ निकलेगी किसी दिन। अच्छा हाँ, मैं चलूं। अरे चुप कर। अरे हम चुप का कर, हम काम भी करते गाज भी है भाई, गाना सुनो। अरे भैया काम करो मत आराम करो। ओ मामा मेरी मुन्नी को नजर न लग जाए। चलो चलो बाहर चलते हैं। मेरा मुन्ना लजा। मुन्ना तू जानता है कौवा क्यों बोल रहा है? मगर तू तो अभी बच्चा है, भला तू क्या जाने। जब कोई मेहमान आने वाला होता है ना तो ये कौवा उसके आने की खबर देता है। शायद तुझे भी कोई देखने के लिए आ रहा है। मगर मैं भी कैसी पागल हूँ, भला कौन आएगा तुझे देखने के लिए बेटा। आ जा रे
रहा है? वो क्या खेल रहा है? मेरा लाल, मेरा चांद। नहीं नहीं बेटे, कितना अच्छा है मेरा प्यारा। नहीं नहीं बेटे, नहीं रुदे। नाना नानी आए है ना, मेरे लिए क्या क्या लाई हूँ। नहीं नहीं बेटे, नहीं रुदे। देखिए कितना प्यारा, कितना सुंदर है अपनी पारो का मुन्ना। लिए प्रताप ने समझदारी से ही काम किया, जो स्टेशन से लौट गया। अपनों को नर कोई पड़ा हुआ देखकर किसे अच्छा लगता है? जिसे देखने आए थे उसे तो देख लीजिए। चलिए पारो, तुम इनके खाने का प्रबंध करो, मैं ताजा पानी लेकर आता हूँ। नहीं, बेटी के घर का खाना अधर्म की बात है। तो फिर कहाँ खाएंगे पिताजी, यहाँ तो कोई होटल भी नहीं है। तुम इसकी चिंता मत करो, हम स्टेशन पे ही खा पी के आए हैं, कल सवेरे जल्दी चले जाएंगे। आपका आशीर्वाद ही बहुत है पिताजी, रुपए लेकर मुन्ना क्या करेगा। तुम्हारे काम आ जाएंगे, और तुम्हें अपने लिए खर्च करते हुए लाज आती हो तो पारो के लिए एक साड़ी खरीद देना। आप भी हद करते हैं, हमें झुकना शोभा देता है, दामाद का अपमान करना नहीं। मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा माँ जी, मेरे बुजुर्ग हैं, कुछ भी कह सकते हैं। पारो का बिस्तर लगा दो, सफर में थकावट हो गई होगी, थोड़ा आराम कर ले। उठ जाओ बेटी, मैं बताती हूँ। आप क्यों बनाएंगे माँ जी, आप चले आराम कीजिए। पारो को अपने हाथ से खिलाए, ऐसे लगता है जैसे एक युग बीत गया। आज आई हूँ तो अपने मन का चाव पूरा कर लो। बनाऊ माँ, आज मैं इतना खाऊंगी, इतना खाऊंगी कि कहीं से मुझे तुम्हारे लिए चूरन लाना पड़ेगा। आओ बेटा, तुम बैठ जाओ। अब क्या माँ जी, पहले पिताजी के लिए भर लेता हूँ। अच्छा बैठ। पर हमेशा काला टीका लगा दिया कर, बच्चे को नजर नहीं लगती। अच्छा माँ, लगा दिया करूंगी। मैं तुमसे आखिरी बार कहूंगा पारो, हमारे साथ चली चलो। मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं पिताजी, यहाँ मैं इतनी सुखी हूँ कि दिन कैसे गुजर जाते हैं मुझे पता भी नहीं चलता। हाँ तुम तो यही कहोगी, अपनी तकदीर अपने हाथों से बिगाड़ कर हार थोड़ी मानोगे। मैंने देख लिया है पारो और शंकर दोनों आपस में बहुत खुश हैं, आप खामखा दुखी होते हैं। मैं क्यों दुखी होने लगा, अपनी मनमानी करने वाली संतान की दुर्दशा देखकर एक बाप कितना खुश होता है ये तुम क्या जानो। मुझे तो हमदर्दी इस मासूम से है जो अमीरी की गोद में पल सकता था, लेकिन अपनी माँ बाप की जिद की वजह से वो गरीबी में पलेगा, मुफलिसी में पलेगा। पारो, तुम्हें इसके भविष्य का कोई ख्याल नहीं क्या? तुम इसके लिए भी इस नर्क को नहीं छोड़ना चाहती? आप इस घर को नर्क कहते हैं पिताजी, मैं तो इसे सुख और शांति का आश्रम मानती हूँ। मेरे मुन्ने का इससे अच्छा सौभाग्य क्या होगा कि वो अपने पुरखों की धरती और स्थान पर परवान चले। तो यही पड़ी रहो, मैंने भूल की जो तुम्हें चलने को कहा, मैंने गलती की जो तुम्हारे यहाँ चला है। आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। नहीं नहीं, बच्चों से जीत की जाती है क्या? अपने खून से क्या हार जीत? तो यही समझ लो कि मेरा खून सफेद हो गया। ऐसी मानी लड़की के दुख सुख से
अब मुझे कोई वास्ता नहीं रहा। गाड़ी आ गई है पिताजी। चलो लक्ष्मी। मैं ये सोचकर यहाँ लाई थी मैं उनकी नाराजगी मिट जाएगी। ओ मामी, ओ ओ मामी। आती हूँ बाबा, आती हूँ। नहीं आती जा। तुम्हारी बहन की शादी है, नवेद आया। मेरी तो बहन है पर तुम्हारी भी तो कोई है। है कि नहीं, लेकिन सिर्फ मेरे ही समझने से क्या फायदा, वो लोग तो हमें गैर समझते हैं। इसलिए तो गैरों की तरफ से निमंत्रण ही भेजा है। देखो माँ ने अपने हाथ से लिखा है, पारो अपनी माँ के लिए आना बेटी, मुझे बुलाया है, चलोगे ना? तुम चलने के बारे में सोच रही हो? ताज्जुब है, अभी तक दिल नहीं भरा अपने लोगों से? अपनों से भी कभी दिल भरा है, कुछ भी क्यों ना, अपने माँ बाप है। 4 साल हो गए किसी की सूरत न देखी न अपनी दिखाई। शादी का मौका है, सभी अपने पराये आएंगे, मुलाकात हो जाएगी। चलते तो अच्छा। देखो पारो, अगर जाना ही है तो तुम खुद चले जाओ, मुझे मजबूर मत करो, क्योंकि वहाँ किसी को मेरी परवाह तो है नहीं जो मैं जाकर अपना मान बढ़ाऊं। और सच पूछो तो तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। छोटी बहन की शादी पर न गए तो लोग हंसेंगे नहीं, करनी क्यों नहीं कहेंगे? करने का अगर ख्याल है तो जो तुम्हें देना है वो यहाँ से भी भेज सकती हो, सिर्फ इसके लिए वहाँ जाकर बेइज्जत होना ये कहाँ के तुम्हारे? माँ बाप के घर जाकर बेइज्जत होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। कैसे ही माँ बाप क्यों न हो, लेकिन वो कभी नहीं चाहेंगे कि बेटी दामाद की हतक हो या बेइज्जती हो। जो बाप बेटी के घर आकर जलील करने में कसर न करे वो भला अपने घर क्या लिहाज करेगा? यहाँ पिताजी ने जो कुछ भी कहा जलील करने के लिए हरगिज नहीं कहा, बल्कि अपनी बेटी के आराम और तकलीफ के ख्याल से कहा। उस पर भी तो हमने उन्हें मुंह भर के जवाब दे दिया और उनकी भावना की जरा भी परवाह न की। हमने तो आप ही उनके प्यार को ठुकराया और अब उसी ठुकराए हुए प्यार को तुम फिर से गले लगाना चाहती हो। इसलिए कि दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, माँ बाप का प्यार नहीं मिल सकता। और जिसके माँ बाप ही ना हो उस पर क्या गुजरती होगी? उसे मजबूरन सब्र करना पड़ता है। तो इसी तरह तुम भी सब्र क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हो? अभी तो मेरे माँ बाप जिंदा है, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं भी नहीं चाहूंगी, मजबूरन सब्र कर लूंगी। माँ ने इतने अरमानों से लिखा है, चलो ऐसे बहाने दिल के मैल धुल जाएंगे, लेकिन ऐसे किस्मत ही कहा। जी माँ क्यों रो रही है? अपने माँ बाप को याद करते हैं। तो तुम अपने माँ बाप को क्यों नहीं याद करते? बेटे मेरी न माँ है न बाप। और माँ के? माँ भी है बाप भी है। तो फिर रोती क्यों भाई, चली क्यों नहीं जाती माँ बाप के पास? तुम चाहते हो तुम्हारी माँ अपने माँ बाप के पास जाए? हाँ। लो भाई, बड़े साहब ने इजाजत दे दी, चलो कर लो तैयार। देखा मुन्ने, तुम्हारी माँ अभी तक रूठी हुई है, क्यों ना हो आखिर अपने माँ बाप के पास जा रही है, अब तो यह हम दोनों को घास भी नहीं डालेगी। मेरे सामान उतार लो। अरे ये सब क्या है? क्यों, कामने के शादी में नहीं जाना है क्या?
ये सब आया कहां से? सावित्री, तुम्हें तो मालूम है अपना सब दिखावा ही दिखावा है। पुराने चौक का मकान बेचकर ये सब सामान तुम्हारे लिए लेके आया हूं। इतनी सारी चीजें क्यों? हाँ, और देखो ये तुम्हारे लिए नथ लेके आया हूं। नथ? हाँ। और मेरे लिए? हाँ। क्या कीमत होगी? कीमत ना पूछो, जरा पहन के दिखा दो, बहुत कीमती है। जरा सारे मेहमान हैं, मगर मेरी आंखें तो दरवाजे पर ही लगी हुई थी कि तुम कब आएंगे। अच्छा जल्दी से तैयार हो जा, मंदिर जाना है। चल ले अपनी जिम्मेदारी समझ। इतनी देर हो गई दीदी और अभी तक तुम तैयार नहीं? मैं तो कब से तैयार हूँ? तो फिर चलो। लेकिन तुम? मैं तो एकदम तैयार हूँ दीदी। छी 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 छी, इन सादे कपड़ों में खानदान की इज्जत का तमाशा दिखाना है क्या? लो इसे पहन लो। रहने दो दीदी, दूसरों के कीमती कपड़े पहनने से मेरी गरीबी नहीं छुप सकती। क्या यही पहनकर तुम गई तो मेहमानों के सामने क्या इज्जत रही? सादे कपड़ों से इज्जत नहीं आंकी जाती दीदी। अगर तुम्हारी शान में कोई फर्क आता हो तो मैं चार कदम दूर रहूंगी, और अगर कोई पूछे तो कह देना घर की नौकरानी। देखा माँ, भुट्टे बेचने वाली का मिजाज। मैं प्यार से अच्छे कपड़े पहनने को दे रही थी, तुर्रा दिखलाकर चली गई। ऐसे तो कोई पूछेगा भी नहीं, मगरूर कहीं की। क्या है? तुम अपने घर वालों के चक्कर में पड़ी रहोगे कि मेरी इज्जत का भी कुछ ख्याल करोगे? आखिर हुआ क्या? आखिर हुआ क्या? वो भुट्टे बेचने वाला हमेशा मेरी बगल में आके बैठ जाता है, मैं उसके साथ खाना नहीं खाऊंगा, समझे? अच्छा अच्छा। सुना तुमने? क्या? लालाजी खाने पर चोट गए। क्यों? कहते हैं कि वो शंकर के साथ खाना नहीं खाएंगे, वो दो कौड़ी का आदमी। धीरे से बोल बेटा। और वो कहते हैं तू मान के वक्त में उनके साथ खड़े नहीं रहेंगे। अच्छा तू जा, हम देख लेते हैं। अब क्या होगा? मैं भी यही सोच रही हूँ। कुछ न कुछ तो करना ही होगा, ऐसा क्यों ना करें? क्या? शंकर और पार्वती को मान बाद में दे। जैसे आप लोगों की मर्जी। तो फिर पार्वती को ठीक से समझा देना। माँ ठीक है, माँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या ठीक है माँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। माँ तुम कुछ छुपा रही हो। नहीं बेटी, तुमसे क्या छुपाऊं? नहीं माँ, तुम जरूर कुछ छुपा रही हो। आखिर क्या बात है तुम्हें मेरे घर? परु, परु, तेरा और शंकर का मान हम बाद में करेंगे। माँ खा गई, दोनों कहीं यही होगी। अरे देखो अच्छे महाराज से मिली क्या? अरे पूरे 2000 के थे, अब मैं क्या करूं? कब से ढूंढ रही हूँ, आए मैं लुट गई, बर्बाद हो गए। अब मैं उनको क्या जवाब दूंगी? माँ जल्दी चलो, दीदी ने पूरी हवेली सर पर उठा रखी है। क्यों? उसकी नथ खो गई। नथ खो गई? हाँ। कैसे? क्या पता। चलो मैं देखती हूँ। कहीं और तो नहीं भूल आई दीदी? नहीं कामिनी, मुझे अच्छी तरह से ख्याल है। बेटी कहाँ रखी थी?
तो क्या किसी ने चुरा ली? जबान न खुलो भैया, तो देख डाले सिर्फ पारो का। क्या बात है पारो? पारो रही हूँ पिताजी। कहाँ? अपने घर, अपनी उस झोपड़ी में जहाँ अपना कोई अपमान करने वाला नहीं। लेकिन क्या हुआ? ये ना आपको पूछना चाहिए ना मुझे बताना चाहिए। यहाँ के हर बार हर एक को अच्छी तरह मालूम है। पारो पिताजी, पारो मेरी बात का बुरा मान ले। बस पगली कही बड़ी बहन की बात को कोई बुरा मानता? मगर यहाँ तो बात चोर और साहूकार की है। विश्वास को ठेस लगने के बाद अब और क्या रखा है इस घर में मेरे लिए पिताजी? पारो, पारो, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। न जा पारो, न जा। नहीं दीदी, तुम मुझसे बड़ी हो, कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। बेटी इन्हें जाने दो, कलेजे पर पत्थर रखकर हर एक को मनमानी करने दी। अब इसकी एक जिद तो पूरी होने दो। रामू, बेटी बेटी ठहर जा बेटी। नहीं माँ, पहले ही इतना पा चुकी हूँ इधर से कि बा और कुछ लेने की जरूरत ही नहीं रह गई। बेटी दुखी मत हो माँ, ये जो कुछ मैं पहने हुई हूँ वो भी तो तेरी कृपा से है। नहीं लेती है तो ना ले। अगर इतना ही मान जताना था तो फिर यहाँ आई क्यों थी? हम लोगों का मजाक उड़ाने? तू ही रह कर था प्रताप कहने को, सो तूने भी कह लिया। मालकिन, रामू जी मालकिन, सावित्री की लत मिल गई। वो तो कब की मिल गई मालकिन? छोटे मालिक कह रहे थे बड़ी बिटिया के कपड़ों ही में थी। कामने की शादी में खोई हुई नत्थी मिल गई और अपना बड़ापन भी रह गया। मगर सावित्री, शंकर और पारो का जो अपमान हुआ उसकी भरपाई नहीं हो सकी और हो भी नहीं सकी। उन लोगों ने अपनी गरीबी में जो अपना मान रखा है वो बड़े बड़े अमीर भी नहीं रख सकते। मुझे तो उनकी जिंदगी पर रश्क होने लगा है। हम झूठी शान पर मरे जाते हैं और वो अपनी सीधी सादी जिंदगी में मजे ले रहे हैं। और सच पूछो तो उनकी सादगी के आगे अपनी सारी तड़क फड़क मंद पड़ गई। चाहते वक्त पारो आदर्श की इतनी महान शक्ति मालूम होती थी कि मैं उससे माफी मांगने पर मजबूर हो गई। तुमने पारो से माफी मांगकर मेरे दिल में वो जगह बनाई है सावित्री, जो तुम्हारी असली जगह है। सच?
पारो, मैं तेरा एहसान जिंदगी पर नहीं भूलूंगी। तेरी वजह से मैंने अपने पति को पा लिया है और मैंने अपनी जिंदगी को। अब हम भी अपने आप को उसी सांचे में डालकर अपने जीवन को स्वर्ग बना लेंगे और हमारी भटकती हुई सुख शांति भी अपने घर वापस आ जाएगी। अब तो क्लब नहीं जाओगे ना? माँ दवा नहीं पी रही पिताजी। ला मुझे तो। नहीं नहीं उठो नहीं उठो नहीं उठो, दवा पी लो। वैसे ही मुँह कड़वा हो रहा है। कब तक क्यों ही बगैर दवा के पड़ी रहोगी? लो मुझ पर दया करो और दवा न पिला। कैसी बच्चों जैसी जिद कर रही है। जिद करके भी क्या करूँ, कौन मेरी जिद पूरी करने वाला है? कमाल, मैं जो बोलो क्या चाहती है? सच करोगे मेरी जिद पूरी? हाँ कह तो दिया, बोलो ना। प्रताप की दुल्हन देखना चाहती हूँ, उसकी शादी में पारो और शंकर को ले आओ और उन्हें सीने से लगा लो, उनका मान पान अच्छी तरह करो ताकि उनके टूटे हुए दिल फिर से जुड़ जाए। मेरी ये ख्वाहिश पूरी करोगे ना? करोगे ना? हाँ करूंगा, लो दवा पियो। प्रताप भाव सोजंगालो काश्यपम हजुम तोनिम सर्वपुनम प्रदोष विजवाग्रहम। परवाई क्या, किसका खत है? मेरी बहन पारो का। वो शादी में क्यों नहीं आई? क्या लिखती है? प्रिय प्रताप, खुश रहो मेरे प्यारे भैया, इस गरीब बहन की इस छोटी सी भेंट का स्वीकार कर लेना। तुम्हारे शादी में आने की बहुत इच्छा थी, लेकिन भैया कहने की माफी चाहती हूं कि मैं गरीब हूं और मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी और पिताजी की शान में कोई आंच आ जाए, इसलिए मेरा न आना ही ठीक है। किंतु भैया यदि मैं यहां हूं फिर भी मेरी आंखें और मेरा दिल तुम्हारे साथ है। भगवान करे मेरी भाभी रूप और गुणों में देवी हो, उसे सदा सुखी रखना। और एक बात का ख्याल रखना प्रताप, आदमी को रूप से ज्यादा गुणों से ही प्यार करना चाहिए। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी सीता बने तो तुम्हें राम बनने की कोशिश करनी पड़ेगी। भगवान तुम दोनों को सदा सुखी रखे, यही इस गरीब बहन का आशीर्वाद। तुम्हारी पारो। कितने ऊंचे विचार हैं, हालात से करीब होते हुए भी दिल से तो वो हमसे भी ज्यादा धनवान है, और शायद इसी वजह से वो शादी में नहीं आई। भगवान करे ऐसी बहन सबको मिले। सुनिए हाँ? मैं उस देवी के दर्शन करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे उनसे मिलाएंगे? मैं खुद उनसे मिलना चाहता हूँ। और शायद माता जी भी इसी वजह से परेशान है, भगवान करे माँ बेटे की मुलाकात हो जाए। मालिक, छोटे मालिक, माँ जी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई।
मेरी दाई आंख क्यों फड़क रही है भगवान? कुछ अशुभ तो नहीं होने वाला? माँ दिल का बोझ तो हल्का कर लेने दे। बोल। पारो, तू प्रताप की शादी में क्यों नहीं आई? मैंने तेरा कितना इंतजार किया। अब कहीं आने जाने को मेरा दिल नहीं चाहता माँ, बस अपना घर अच्छा, हम अच्छे। गरीबी और स्वाभिमान दोनों का मेल कभी नहीं होता माँ। न अपनों के नजदीक जाओ, न उनकी उल्टी सीधी पास से जीप ला कर। आखिर आदमी कहीं जाता है तो आनंद के लिए, सुख के लिए ना। तो सुख और आनंद की यहाँ कोई कमी नहीं है माँ। सब कुछ ठीक है बेटी, लेकिन मेरे लिए तो आना था। तेरा जो अपमान हुआ था मैं सब भर देती, तेरा मान पान सब कुछ करती। यही मेरी आशा बाकी रहती, माँ से भी कोई मान अपमान करता है। पारो, तू कितनी मानी है, मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, तेरे आगे दामन फैलाती हूँ। सब कुछ भूल जा बेटी, सब कुछ भूल जा, अपने दिल से गुस्सा निकाल दे। निकाल दिया माँ, तुम आई, इतनी बात की, मुझे सब कुछ मिल गया माँ, मुझे सब कुछ मिल गया। उठ बेटी, देख शंकर आ गया है क्या? किससे बातें कर रही थी? माँ आई है। माँ और इस वक्त कहाँ? आओ देखो ना, वो क्या है? कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। माँ, माँ। तुम्हें जरूर वहम हो गया। नहीं जी, ऐसे कैसे हो सकता है? वो मेरे पास बैठी थी, गले मिली थी, बातें की थी। कमी क्यों नहीं आ रहे हैं बेटा? किसी चीज की कमी तो नहीं रह गई? शायद माँ की इच्छा पूरी नहीं हुई पिताजी। कौन सी इच्छा बेटा? मेरी शादी में सबका मान पान हुआ पिताजी, लेकिन माँ की इच्छा के अनुसार शंकर और पारो के अपमान की भरपाई नहीं हो पाई पिताजी। ठीक कर रहे हो बेटा, कह दो कि हम सब कुछ कर देंगे, हम सब कुछ कर देंगे। माँ, सुना तुमने पिताजी ने क्या कहा? हम सब कुछ कर लेंगे। हाँ माँ, हम पारो दीदी के यहाँ जाकर उसे मना लेंगे, उसे खुश रखने की हमेशा कोशिश करेंगे। दीदी, Thank you.
दीदी दीदी कौन सा दिन था वो? क्या समय था? मंगलवार रात को आखिरी वक्त तक होंठों पर तुम्हारा ही नाम था। तुमसे मुलाकात हो जाए तो अच्छा ही होता। मेरी और उसकी मुलाकात हो गई थी। माँ मुझे मिलने आई थी प्रताप। दीदी इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। दुनिया चाहे न माने लेकिन ये सच है। माँ मुझे मिलने यहाँ आई थी। हम दोनों गले मिलकर खूब रोए थे। दीदी उसने मुझसे कहा पारो माँ से भी कोई मान अपमान करता है क्या? उसने मुझसे माफी मांगी। मेरे सामने दामन फैला है। भैया मैं नहीं जानती थी क्यों ही मेरी माँ से आखिरी मुलाकात थी। आखिरी शांत हो जा शांत हो जा। देखो कामनी की शादी पे जो साड़ी तुमने वापस की थी ये वही है। तो तुम्हारा गुस्सा नहीं गया दीदी। अब गुस्सा किससे करूं? जिससे गुस्सा कर सकती थी वो तो चली गई। गुस्सा प्यार स्वाभिमान सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। पारू बेटा पारू पिताजी पिताजी भी सब कुछ भूल जा। शंकर शंकर मुझसे बड़ी भूल हुई। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं नहीं पिताजी ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे बच्चों मुझे माफ कर दो पिताजी।